हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख रहा है। हेलो हेलो यस कृष्ण, सर, क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन में? ठीक है, यस सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, हाउ वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा सभी का एटॉमिक मास। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा, हीलियम क्या क्या होगा, लिथियम क्या क्या होगा, ठीक है, पोटेशियम का क्या होगा, सल्फर का क्या होगा, ये सारा आपको उसका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसको अप्लाई करके हम किसी भी कंपाउंड का जैसे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है H2O। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हाइड्रोजन जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बताइए। दो हाइड्रोजन है तो टू, वन नहीं हाइड्रोजन टू है ना, एच टू मतलब हाइड्रोजन टू है, टू इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, वन, तो टू इंटू वन हो गया। प्लस अब ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितना है, सिंगल है, तो ऑक्सीजन का ढूंढो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 16, तो प्लस 16 कर देंगे, तो ये 2 into 2 plus 16, वी गॉट द 18, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलिए फिर से ये बेसिक यस सा सर। क्वेश्चन है। CO2, तो CO2 में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कार्बन अकेला है, तो कार्बन आप देखो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 प्लस। अब O2, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, दो, तो 2 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे ढूंढो, 16, तो 16 हो गया 12 plus 32, तो कितना हो गया ये 44, तो 44 पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब NH3 का देखिए ध्यान से, देख रहे हैं नाइट्रोजन कितना है हमारा, नाइट्रोजन सिंगल है, तो नाइट्रोजन एन देखो यहाँ पे क्या है, एन का दिया मैंने, हाँ दे रखा है यहाँ पे एन का 14, तो गया 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 3 into 1, तो ये हो गया 14 plus 3, वी विल गेट द 17, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चन इधर वाला दिया है वो एकदम इजी और काफी बेसिक वाले हैं, बट इधर के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, इधर वाले क्वेश्चन जो है ये थोड़े से अच्छे हैं। तो ये दोनों का आंसर जो है 4 और 5 का आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा, बाकी मैं 6th वाला पार्ट और 7th वाला पार्ट एक बार डिस्कस करके बताता हूँ आपको। तो 6th वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार रीड आउट करना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। ठीक है, तो कैल्शियम हमारा सिंगल है, कैल्शियम सिंगल है, तो कैल्शियम का देखो क्या है एटॉमिक मास 40, तो 40 लिखेंगे। प्लस अब ध्यान देना ये OH जो है ना वो ब्रैकेट में है, जो हमारा हाइड्रोक्साइड जो है वो कितना है, वो 2 है, हाइड्रोक्साइड कितना 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर में ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और फिर ये जो 2 है वो 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 2 आया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 40, क्या लिखेंगे 40 plus 17 into 2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा आंसर आएगा, दैट वुड बी द आंसर। क्लियर यस सर। है? चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये 7th वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7th, 6th और 7th जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि ब्रैकेट में जब भी दिया रहता है तो हम लोग उसके अंदर पे पहले उसको जो भी एटॉमिक मास है एड वैड कर लेंगे, उसके बाद जो बाहर में हमें दिया रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चे लोग गलती क्या करते हैं ये वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है आई थिंक आप लोगों को काफी लाइट लग रहा होगा, कलर रेड ले लेता हूँ, है ना। चलो, तो Na2, Na2 दिया हुआ है, ठीक है, तो Na का कितना है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास Na का देखिए यहाँ पे 23, तो हम क्या करेंगे 2 है, Na2 है, ठीक है, तो 2 into 23 करो। ठीक है, उसके बाद प्लस सल्फर का ढूंढो कितना है, सल्फर का 32 है, तो 32 कर दो,
ठीक है, प्लस ऑक्सीजन मेरे पास कितना चार है, तो फोर इंटू फोर इंटू ऑक्सीजन कितना है भाई 16 होता है, 16 कर दो, ठीक है। अब देखो ये मेन पार्ट में प्रॉब्लम होता है, टेन एच टू जो लिखा हुआ है ना, टेन एच टू। अब बताया बच्चे लोग क्या सोचते हैं, ये टेन एच टू जो लिखा हुआ है, बच्चे लोग ये सोचते हैं कि टेन मेरा एच टू है, मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन अलग है। नहीं भाई, ये एच टू ओ है, ये कंप्लीट क्या है, एच टू ओ। तो एच टू ओ का तो हम लोगों ने निकाल रखा था, यहाँ पे एच टू ओ का देखो कितना निकाल रखा था, एच टू ओ का कितना होता है 18 निकाल रखा था ना, 18 निकाल रखा था, तो वो 18 इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 10 इंटू 18। कभी ये गलती मत कर देना कि हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग, नहीं ये एच टू ओ है, आया समझ में, ठीक है। यस सर। हाँ चलिए, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन मैंने ब्रैकेट वाला आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया था, तो थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ। ये जो ब्रैकेट वाला मैंने दिया है ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी ए मेरा 3 है, एक सी ए मेरा 3 है ना, अच्छा एक ये आ नहीं रहा, सी ए मेरा कितना 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू सी ए कितना है हमारे पास, एटॉमिक मास देखिए कितना दिया हुआ है, सी ए का मैंने लिख रखा है क्या ऊपर में, हाँ लिख रखा है 40, तो 3 इंटू 40 कर दो, ठीक है। प्लस अब ब्रैकेट वाला अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस मेरा 1 है, तो फास्फोरस देखिए कितना है 31, प्लस ऑक्सीजन कितना 4 है, तो ये 4 इंटू ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 16, ठीक है, और इंटू 2 कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आप लोगों का आंसर आएगा वो क्या आएगा, डेट इज आएगा 310, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर बाकी ये ग्लूकोज वाला दे रखा है, ये भी आसान है, H2SO4 है, ये भी आसान है। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन में डिस्कस नहीं करा, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा, वो काफी इजी लगा मुझे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का मॉलिकुलर मास कर दिया मैंने, अच्छे से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो एक आप लोगों को मैं होमवर्क देते हुए जा रहा हूँ, ठीक है, आते हैं स्क्रीन पर हम लोग, व्हाइट स्क्रीन पर। आप लोगों का होमवर्क क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को ये बताया कि 1 मोल ऑफ लाइक देखिए, मैंने वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि नाइट्रोजन, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, ठीक है, तो नाइट्रोजन को अगर मैंने लिख दिया 14U और इधर मैंने लिख दिया 14G, ठीक है, तो U का मतलब क्या हो गया मास ऑफ वन एटम और G का मतलब क्या हो गया मास ऑफ 1 मोल एटम। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि 1 मोल ऑफ O3 इक्वल्स टू हाउ मच O3 मॉलिक्यूल्स, हाउ मच ऑक्सीजन एटम्स और डैश ग्राम ऑफ O3, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अगर आप लोग से नहीं बनता है तो आई होप सारा स्टेप अच्छे से समझा पाए आप लोगों को, अच्छे से हो गया, क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट क्लास में।